I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready. तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? हम उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, फाइनली आज हमारे पास आ चुकी है 2024 की लेटेस्ट मॉडल TVS की RTR 162V, जो कि आप लोग यहां पे देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, ये है अपाची 162V का पर्ल व्हाइट कलर, जो कि आप लोग यहां पे देख पा रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बाइक के बारे में बात करेंगे कि इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या एफिकेशन मिलते हैं, और साथ ही साथ 2024 में इसकी प्राइस क्या रहने वाली है। तो गाइज, अगर आप लोग भी 2024 में आप लोग इस बाइक को लेने वाले या फिर लेने का प्लान कर रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो के लास्ट तक इस बाइक के बारे में आपको फुल डिटेल में पता चल जाएगा। क्योंकि अपाची RTR 162V जो है ना, TVS की वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बाइक में से एक है। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं बीइंग टेक्नो। दोस्तों, वीडियो चले गए मैं तो चले गए तो प्लीज अपने तरफ से एक लाइक जरूर दीजिएगा। तो चले गए, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लुक के बारे में। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो लुक है ना, वही पहले वाला मिलता है। क्योंकि जो अपाची RTR 162V के लवर हैं, उनको यही लुक काफी पसंद आता है। तो TVS ने इसके लुक में कोई चेंजेस अभी तक नहीं दिया है, क्योंकि पिछले साल इसमें जब नया अपडेट आए थे ना, उसमें आपको बहुत सारे नए चेंजेस देखने को मिलते थे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं वही सारे चेंज देखने को मिल रहे हैं। तो लुक्स वाइज, ग्राफिक्स वाइज में आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता। और आपको बता दें कि इसमें आपको तीन वेरिएंट मिलते हैं, बेस मॉडल, ड्रम मॉडल, और तीसरा मिलता है स्मार्टफोन कनेक्शन सिस्टम मॉडल। तो ये इसका सबसे लोएस्ट वेरिएंट है, यानी कि बेस मॉडल है ड्रम मॉडल, जिसमें आपको आगे डिस्क मिल जाएगा, रियर में आपको ड्रम मिलेगा। तो इसकी अगर हम प्राइस की बात करते हैं, तो लगभग आप मान के चलिए 1,45,000 से 1,48,000 के बीच में आपको ये बाइक आपको कंप्लीट देखने को मिल जाएगी 2024 में। तो गाइस, ये जो मैंने आपको प्राइस बताने एक लगभग प्राइस बताया है, अगर आप लोग को एग्जैक्ट ऑनर प्राइस जानना है, तो आप लोग नियरेस्ट TVS के शोरूम पे जाके आप लोग को इसका एग्जैक्ट ऑनर प्राइस पता चल जाएगा। और अगर हम आते हैं फ्रंट में, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का वाइजर मिल जाता है, व्हाइट कलर की साइड बॉडी मिलती है, और यहाँ पे देख सकते हैं LED DRS मिल जाता है, जो कि पिछले साल अपडेट हुआ था, जो कि काफी प्यारा लगता है। LED हेडलैम्प मिलता है, जो कि आपको कुछ इस टाइप में देखने को मिल जाती है। तो गाइस, इसमें आपको जो रोशनी मिलती है ना, जो विजिबिलिटी मिलती है ना, काफी अच्छी देखने को मिल जाती है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो इसमें आपको जो ब्राइटनेस मिलेगा ना, इसको लेकर पहले भी आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती थी, अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। और यहाँ पे देखेंगे टर्न इंडिकेटर वही बल्ब मिलता है, जिसमें आपको क्लियर लेंस मिल जाता है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और अगर हम आते हैं इसके फ्रंट सेक्शन से, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो फ्रंट सस्पेंशन मिलता है ना, वो आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाती है, जो कि आप लोगों को कुछ इस टाइप में मिलती है। तो सस्पेंशन क्वालिटी आपको काफी बेहतरीन देखने को मिलती है। तो सस्पेंशन को लेकर आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको हाइड्रोलिक डंपर सस्पेंशन देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे देखिए सुपर मोटो ABS मिलती है, जो काफी बेहतरीन माना जाता है। इसका जो फ्रंट टायर मिलेगा, उसकी बात कर लेते हैं। तो फ्रंट में आपको 90/90 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाती है अलावेल के साथ। और यहाँ पे देखेंगे तो फ्रंट में आपको क्या कहते हैं, सिंगल डिस्क मिल जाती है, जो कि आपको मिलेगा 270mm का, जो कि पेट्रोल डिस्क मिलती है। और यहाँ पे देखिए ABS की चेन लगाई गई है। तो गौर करिएगा, इसमें आपको सिंगल चैनल ABS पहले भी मिलती थी, अभी भी देखने को मिल रही है। तो गाइस, जो ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी ने वही पहले वाली रखी गई, जो टायर साइज है वो भी आपको पहले वाली देखने को मिल जाती है। और अगर हम इसके साइड बॉडी की बात करते हैं कि साइड प्रोफाइल आप लोगों को कैसा मिलता है, तो इस साइड से इसका जो लुक है ना, कुछ इस टाइप में देखने को मिल जाती है पर्ल व्हाइट कलर के साथ। तो गाइस, आप लोग बताना कि जो पर्ल व्हाइट कलर है आप लोग कैसी लगती, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हैंडल बार पे आते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट हैंडल बार पे सबसे पहले देखिए आपको कुछ इस टाइप में इसका क्लच मिल जाता है, पासिंग स्विच, लोविंग वाइमिंग, साइड इंडिकेटर, हॉर्न स्विच देखने को मिल जाता है, साइड मिरर आपको कुछ इस टाइप मिल जाता है, जो कि आपको पहले वाले डिजाइन मिल जाती है। राइट हैंडल बार पे आप देखेंगे तो इसमें आपको इंजन किल स्विच मिल जाता है, यहाँ पे आपको राइडिंग मूड मिलते हैं, इसमें आपको दो मूड स्विच मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको सेल्फ स्टार्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाती है। और अब आते हैं इसके मीटर कंसोल के ऊपर। तो गाइस, यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो मीटर कंसोल मिलता है ना, फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है, जिसमें आपको ऑरेंज लाइट मिलती है। लेकिन अगर आप स्मार्टफोन कनेक्शन सिस्टम मॉडल लेते हैं, तो उसमें आपको ब्लू कलर की लाइट देखने को मिल जाती है, जिसमें आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो इसमें आपको टाइम देखने को मिल जाती है, ट्रिप ए, ट्रिप बी, ओडोमीटर, हाई स्पीड रेंज देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए तीन जो राइडिंग मोड मिलते हैं, वो आपको देखा जाते हैं। पहला मिलता है रेन मोड, दूसरा मिलता है अर्बन, तीसरा मिलता है स्पोर्ट मोड। तो इसमें आपको तीन राइडिंग मोड देखने को मिल जाती है, तो आपकी राइडिंग स्टाइल को और ज़्यादा बेहतरीन बनाती है। क्लिप ऑन हैंडल बार देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर RTR 160 की बैचिंग देखने को मिल जाती है। और सेंटर में आते हैं तो यहाँ पे देखेंगे फ्यूल टैंक की स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं E20 की स्टिकर देखने को मिल जाती है, क्योंकि ये इथेनॉल मॉडल के साथ आती है। क्योंकि आपको पता है कि 2023 में ही सभी बाइकों में आपको इथेनॉल 20 देखने को मिल जाती है, तो इसमें आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे देखेंगे रेसिंग सिंस 1982 की बैचिंग देखने को मिल जाती है, रेसिंग वाले ग्राफिक के साथ। फ्यूल टैंक टेफ्टी जो मिलती है वो भी आपको पहले वाली मिलती है। और यहाँ पे देखेंगे हॉर्स का ब्लैक कलर का 3D लोगो मिल जाता है। फ्यूल टैंक का जो काउल मिलता है ना, इस बाइक के लुक को और ज्यादा यूज और ज्यादा स्पोर्टी बनाती है। और यहाँ पे देखिए RTFI की बैचिंग देखने को मिल जाती है। तो गाइस, इसका जो फ्यूल टैंक है ना, आप लोग कैसा लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। तो गाइस, आपको बता दें कि अब इसमें आपको मिलता है BS6 फेज 2 इंजन देखने को मिल जाती है। लेकिन हाँ, इंजन कैपेसिटी जो मिलती है वही सेम आपको 159.7 cc का सिंगल सिलेंडर BS6 फेज 2 इंजन देखने को मिल जाती है। मैक्स पावर जो मिलेगा वॉक मिलता है 15.82 BHP का, 8750 RPM पे इसका जो मैक्स टॉर्क मिलेगा वॉक मिलता है 13.2
85 किलोमीटर का 7000 आरपीएम पे। इसमें आपको जो माइलेज की बात करें तो आपको बता दें कि 45 से 45 का माइलेज ये बाइक आपको आराम से देखने को दे देती है। और एक बात और आपको बता दें, पहले इसमें आपको ओडीएम मिलता था, अब इसमें आपको मिलता है ओडीटू सेंसर। और यहाँ पे देखिए इंजन काउल मिल जाता है जो की स्पोर्टी लुक बनाती है और साथ ही साथ इंजन को प्रोटेक्ट करती है। इसके ऊपर आप देखिए टीवीएस रेसिंग की बैचिंग देखने को मिल जाती है। 6 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है। साइड स्टैंड में आपको इंजन कटअप सिस्टम मिल जाती है। साइड में देखिए अपाची का स्टिकर देखने को मिल जाती है। और अगर हम आते हैं इसके सीट के ऊपर तो गाइस यहाँ पे देखेंगे इस बाइक की जो सीट है ना, आपको स्ट्रेचिंग वाली सीट मिल जाती है। सीट की कुशनिंग जो है ना, इसको लेके आपको पहले भी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती थी, अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, जो कि काफी अच्छी बात है। तो ये भले ही स्पोर्टी बाइक है लेकिन इसमें अगर आप लोग चाहेंगे तो डेली यूज कर सकते हैं। आपकी जो घर की लेडीज है ना वो भी कंफर्टेबली राइड कर सकती है क्योंकि इसकी जो सीट है ना काफी कंफर्टेबल है, काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे देखिए ब्लैक कलर का स्प्लिट प्लेन कैबिन देखने को मिल जाती है। साइड में देखिए आरटीआर 160 की बैचिंग देखने को मिल रही है। रेसिंग वाली ग्राफिक्स मिल जाती है। और यहाँ पे देखिए इसमें आपको पिलियन फुटेज भी मिल जाते हैं, साथ ही साथ लेडी फुटेज लगाने की जगह देखने को मिल जाती है। तो आपकी जो घर की लेडीज है ना काफी अच्छे से कंफर्टेबली राइड कर सकती है। इसका जो रियर सस्पेंशन मिलता है आपको मिड का सस्पेंशन मिलता है जो कि काफी बेहतरीन माना जाता है। और अगर हम आते हैं इसके टेल लाइट के ऊपर तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो रियर टेल लाइट मिलता है ना आपको वही पहले वाली आपको एलईडी टेल लाइट देखने को मिल जाता है। रियर लुक जो है कुछ आपको इस टाइप में देखने को मिल जाती है। तो गाइस इस बाइक के जो रियर लुक है ना आप लोग कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर हम आते हैं इसके रियर सस्पेंशन के बारे में तो यहाँ पे देखिए रियर जो सस्पेंशन मिलता है ना वो मिलता है मोनो ट्यूब इन्वर्टेड गैस फिल्ड शॉक सस्पेंशन मिल जाता है जो कि आपको मिक्स सस्पेंशन मिलती है। स्प्रिंग एडेड सस्पेंशन देखने को मिल जाती है। तो सस्पेंशन क्वालिटी काफी बेहतरीन मिलती है। और यहाँ पे देखिए रियर टायर जो मिलेगा वॉक मिलता है 110/80 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल रही है। रियर जो ब्रेक मिलेगा वॉक मिलता है। ड्रम ब्रेक का सपोर्ट मिल जाता है जो कि आपको मिलेगा 130 एमएम का। और यहाँ पे देखिए इसका एग्जॉस्ट मिलता है ना कुछ इस टाइप में मिल जाता है। चलिए आपको इसका एग्जॉस्ट साउंड सुना देते हैं। तो गाइज इस बाइक का जो एग्जॉस्ट साउंड मिलता है ना काफी बेसिक काफी स्पोर्टी लगता है। तो आप लोग बताना कि इसका एग्जॉस्ट साउंड है ना आपको कैसा लगा सुनने में। और अगर हम बात करते हैं इस बाइक के थोड़े से डायमेंशन के बारे में कि इसमें आपको डायमेंशन चेंज हुआ है या फिर नहीं हुआ है, तो इसका जो कॉर्बेट वॉक मिलता है 137 केजी की, इसका जो सीट हाइट मिलता है 790 का, ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है आपको 180 एमएम का देखने को मिल जाती है। लेंथ जो मिलेगा वॉक मिलता है 2085 एमएम का। इसका जो विड्थ मिलती है वॉक मिलती है 730 एमएम का। जिसको हाइट मिलती है वॉक मिलती है 1105 एमएम का। व्हील बेस जो मिलेगा वॉक मिलता है 1300 एमएम का। तो गाइज ये थे इस बाइक के डायमेंशन के फीचर्सिफिकेशन जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो आप बताना है कि जो पर्ल व्हाइट कलर आती है ना अपाची 162V में, ये आप लोग कैसी लग रही है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग ये बाइक अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगे तो अपनी तरफ से एक लाइक जरूर दीजिएगा। और आप लोग ये भी जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को आरटीआर 162V का कौन सा कलर ज्यादा अच्छा लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो गाइज आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कुछ नए के साथ कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने हेल्थ के हेलमेट यूज करते रहिएगा। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।